सो दोस्तों, ये ROG Phone 5 का बॉक्स और यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है। नीचे लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो साइड में हर जगह है ROG Phone 5 लिखा हुआ। बॉक्स खोलते ही काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स है, इसके बारे में आपको आगे बात करूंगा। और बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है ये इंटरेस्टिंग सिम इजेक्टर पिन के साथ एक केस, जो आप यहां पे देख सकते हो ब्लैक कलर का केस है, जिसको आप आपके फ़ोन के साथ यूज़ करके काफ़ी बढ़िया तरीके से फ्लॉन्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर है कुछ स्टिकर्स, जो आप आपके लैपटॉप के ऊपर, कार के ऊपर, जहां भी चाहो वहां उसे चिपका सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर है हमारे सामने ये ब्यूटीफुल लुकिंग ROG फोन 5। और यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बॉक्स के अंदर यहाँ पर हमें लिखा हुआ है एक AR के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, तो वो मैं आगे आपको डेमो दिखा दूंगा। फटाफट से करते हैं पहले फ़ोन का सेटअप कंप्लीट और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं सेटअप कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर हमें मिल जाता है ये सेक्शन जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इसके AR एक्सपीरियंस करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सिलेक्ट द पैकेजिंग, राइट पैकेजिंग सिलेक्ट करने के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको कुछ इस तरह से इसका डेमो मिल जाता है। लेट मी शो यू द सेम। और इसके बाद एक छोटा सा डेमो जहां पर आप गेम खेलोगे और उसके साथ साथ यहां पर आपको ये ट्रिगर्स भी टैप करने हैं और आप आपका एक गेम प्रोफाइल फ़ोटो भी बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो मैं पहले आपको बॉक्स के कंटेंट दिखा देता हूं। यहां पे आपको मिल जाता है 30 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर। हालांकि फ़ोन सपोर्ट करता है 65 वॉट का, लेकिन आपको मिलता है 30 वॉट का चार्जर। उसी के साथ साथ है यहां पर एक टाइप सी केबल और ये है कंप्लीट स्मार्टफोन। अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन और उसके साथ साथ LPDDR5 रैम UFS 3.1 स्टोरेज के साथ। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप, जहाँ पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है और 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अगर हम बात करते हैं दूसरे चीज़ों की, तो यहाँ पर आपको ड्यूअल टाइप सी के पोर्ट मिल जाते हैं चार्जिंग करने के लिए। अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स और अबाउट एरिया में आप देख सकते हो कि एडिशनल डिटेल भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। कैमरा के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो काफ़ी स्टैंडर्ड कैमरा का ऑप्शंस है और जो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, ये है ROG Phone 5। काफी ब्यूटीफुल दिखने वाला स्मार्टफोन है। एस यूजुअल ASUS ने यहाँ पर आपको ड्यूअल USB पोर्ट दिए हैं, मतलब गेमर हो तो यूज करते करते आप चार्जिंग कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं मेरा पर्सनल ओपिनियन, इसे यूज करने के बाद कुछ ही लिमिटेड समय के लिए, एंड माई थॉट्स आर कि भाई पहली चीज जो लगी मुझे एज अ गेमर, कि अगर आप एलगाडो कार्ड यूज करते हो स्ट्रीमिंग के लिए, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करता है। हो सकता है आने वाले दिनों में उसे फिक्स कर दे। इसके बाद दूसरा पॉइंट मुझे ये लगा इस फोन में, और ये फिक्स होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, That for sure. But ROG Phone 3 का वेट था 240 ग्राम और इसका वेट 2 ग्राम कम है, but still above the 210, which is quite heavy in my personal opinion. इसके बाद तीसरा पॉइंट थिकनेस को लेकर, ROG Phone 3 अगर हम बात करते हैं तो 9.85 mm का था, वहीं पर ये फोन है 10.29 mm, थोड़ा मोटा हो गया है। और अगर बैटरी कैपेसिटी सेम है, लेकिन यहाँ पर आई थिंक बिकॉज ऑफ द 5G इम्प्लीमेंटेशन नया चिपसेट हो सकता है ज्यादा स्पेस ले रहा हो। इनफैक्ट एक चीज भी अच्छी है, इस फोन में आपको मिलता है 3.5 mm का जैक, एंड आई स्टिल की भाई हो सकता है आने वाले दिनों में ROG इसके ऊपर फोकस करे और थोड़ा सा पतला कर दे। इसके बाद एक और चीज है, 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल मैक्रो, 24 मेगापिक्सल सेल्फी, ये सब ठीक है ऑन पेपर, लेकिन दे आर नॉट गुड व्हेन कंपेयर टू द 50,000 और 60,000 प्राइस अदर स्मार्टफोन फ्रॉम OnePlus और Samsung। तो अगर आप ये फोन लेने के बाद सोचते हो कि सबसे बेस्ट कैमरा मिलेगा, देन यू माइट गेट लिटिल डिसअपॉइंटेड। आई वॉन्ट से इट इज वेरी बैड, बट नेक्स्ट लेवल फ्लैगशिप स्मार्टफोन के कैमरा की तरह एक्सपेक्टेशन मत रख। अब चलिए बात करते हैं इस फोन में कि मुझे क्या क्या अच्छा लगा। सबसे पहली बात तो यह है कि भाई इस फोन के अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 888 और मैंने इससे पहले Xiaomi का ही Mi 11 यूज किया था, एंड आई वॉज नॉट ऑनेस्टली इम्प्रेस्ड, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हीट होता था। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ओवरक्लॉकिंग का और यहाँ पर आप इसकी ट्रोटिंग लिमिट CPU GPU भी बढ़ा सकते हो, बट एट द सेम टाइम थर्मल कूलिंग के ऊपर इन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही बढ़िया किया है। इनफैक्ट डोंट नो, ये कूलर आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा फ्री में। अगर मिल जाए देन ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग
टू रियली बी द गेम चेंजर, क्योंकि ये आपको फोन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कूल डाउन कर सकता है। एंड दैट इज वन गुड थिंग अबाउट द होल एरो एक्टिव कूलर विच यू गेट विद द स्मार्टफोन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो है 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले, जो है एमोलेड डिस्प्ले, जिसके साथ आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का ही विक्टिस प्रोटेक्शन विच इज सुपर गुड। इसके साथ में आपको मिलता है 6000 mAh का बैटरी, 65 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट, बट देन आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा 30 वॉट का एडेप्टर विच इज नॉट ग्रेट थिंग, बट आई स्टिल फील कि अगर आपका 65 वॉट का चार्जर है उसको आप यूज कर पाओगे। एंड आई रियली विश कि Asus एटलीस्ट 65 वॉट का चार्जर अगली बार तो अपने बॉक्स के अंदर लेके आ जाए। तो ये है मेरे थॉट्स ऑल न्यू Asus ROG Phone 5 के लिए। व्हाट यू थिंकिंग अबाउट दिस फोन प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो जल्दी से ये वीडियो को लाइक करिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हेल्दी, स्टे सेफ।